एक और भाई, ये तो पूरा का पूरा लाल दिखा रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारा जो प्लान है ना, वो है हाईवे किंग जाने का। मैप वगैरह अपने सब कुछ सेट कर लिया है और ऑलरेडी हम निकले हुए ही हैं। यानी यहाँ से ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो गूगल मैप के हिसाब से ना, हमारे को 36 मिनट लगने वाले वहाँ पर पहुँचने में। सो लेट्स सी, हम अपने हिसाब से कितनी जल्दी पहुंच पाएंगे उधर की साइड। एंड होपफुली आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही हो। कल वाले ब्लॉक के अंदर फिर भी ठीक है, वॉइस ठीक थी, बट गाड़ी को जब मैं रन कर रहा था ज़्यादा स्पीड पर, तब थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आ ही रहा है। एक और चीज़ नोटिस कर रही है ना, वो ये है कि भाई, जब मैं वाइजर को ओपन करके गाड़ी को चला रहा हूँ, तब ज़्यादा बेहतर आवाज़ आ रही है, और बंद करने के बाद तो गूंजना स्टार्ट कर रही है। बहुत सस्ता चीप अमाउंट वाला माइक है ना, तो उतना प्रॉपर तरीके से क्लियर वॉइस को नहीं फिल्टर कर रहा है। बाकी सोफर अभी तो वैसे हम यहाँ हवा मिल वाले रोड पे, मेरे थोड़ी सी दूर जाने पर राइट हैंड साइड पे हवा मिल है, और इस एरिया में इतने ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना। और इसके दो ही रीज़न है, एक तो यहाँ का सिटी का पॉपुलेशन, दूसरा टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं ना, तो टूरिस्ट बसेस वगैरह और कार वगैरह बहुत इधर की साइड रन होती है। और ये आप छोटे छोटे बैटरी वाले रिक्शे तो देख ही लोगे यार, हद से ज़्यादा रिक्शे भरे पड़े इधर की साइड। इधर से पहले निकलता हूँ मैं और सूर्य सपाटे वाले रोडों पर मिलता हूँ। फाइनली थोड़ा सा खाली रोड मिल गया है। ये मेरे राइट हैंड साइड में एक पार्क है जो काफ़ी सुना, और इतना कोई खासा भी नहीं है। मैं इसके अंदर गया था, फिर खासा मज़ा नहीं आया। अभी इधर से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कट हम यहाँ से लेंगे। तो गाइस, फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ अजमेरी रोड पर, और अभी भी मुझे यहाँ से सीधे ही निकलना है। और एक्चुअली क्या है ना यार, ट्रैफिक तो शाम होते होते ज़्यादा ही हो जाता है, और इसका मेन रीज़न जो है ना, तो पब्लिक फ्री होती है इस टाइम पे, किसी के ऑफिस ख़त्म होते हैं, और थोड़ा ठंडा भी तो शाम को ही होता है ना। दिन भर तो इतनी तगड़ी धूप थी आज, और कल जब हम प्लान बना रहे थे, और तो भाई कल तो तूफान ही उड़ गया था। भाई ये होता है रीजन, जब आपके पास साइड मिरर्स नहीं होते ना, और बच्चा वाला प्यार से देख रहा है यार। साइड मिरर जब भी आपके पास नहीं होते ना, तो आपको पता नहीं लगता कि भाई लेफ्ट साइड से कौन आ रहा, राइट साइड से कौन आ रहा। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि भाई गाड़ी में लेफ्ट एंड राइट साइड वाले मिरर्स भरो। क्या है भाई साहब, आज फ्लाईओवर पे इतना भीड़ कैसे लग रहा है? तो एक सामने से कट मिलता है ना इधर की साइड, तो उसी का वजह मुझे लग रहा है। और मे पॉसिबल किसी गाड़ी या तो ठुक गई है, या रुक गई है, या खराब हो गई है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक है भाई, ये तो पूरा का पूरा लाल दिखा रहा है। जे का हो रहा है भाई, तभी टाइम दिखा रहा था, अभी 18 मिनट सो फार और दिखा रहा है। फ्लायर होने पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना ट्रैफिक देखने को मिलेगा। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये ब्रिज बनाए इसलिए गए थे कि ट्रैफिक को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए, और हालात ही देख लो भाई, आंखों के सामने है यार। फाइनली आई हैव टू टेक द अनदर वे, क्योंकि यार वो तो बहुत ही जबरदस्त वाला रेड हुआ पड़ा, इम्पॉसिबल तो उसको पार करना। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ब्लू ब्लू मुझे गूगल में भी दिख रहा, और खाली तो वैसे ही दिख रहा आंखों से भी। तो होपफुली यहाँ से हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे। और मैंने रूट थोड़ा गलत लेके लिया क्या? नहीं, सही लिया भाई। एक तो कंफ्यूजन इतना होता है ना इस गूगल मैप पे, क्या करे इंसान भाई। अपन ने अपने रास्ते को क्लियर करने के लिए 11 मिनट को क्यों नहीं, फिर राजस्थानी पुलिस जरूर लगा ली है। अभी ये पुलिस वाले अपन को थोड़ा थोड़ा क्लियर कर पाएंगे, जा सके कि इनका सायरन बड़ा हेल्पफुल हो ना आगे के लोग, और देखते हैं इसको साइड में कर लेंगे। तो अपन मार्गो उठा के इसी का फोन से नहीं जाने, तो फैता फैता जा रहे, तो अपन साइड में लेके इनसे आगे नहीं निकालेंगे, पीछे पीछे लगेंगे। सो तो इजीली अपन रास्ते को क्लियर कर पाए ना। फायदा भाई फायदा, तो फायदा ले हमारे पुलिस वालों से।
पहुंच गए और ऑलमोस्ट वही जो उसमें एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा था 42 मिनट्स वही हमें लगे हैं। और उसी के साथ हम पहुंच गए हाईवे किंग्स, हमारे सामने बड़ा बड़ा सारा बैनर दिख रहा है और यहीं कभी मुझे बाइक को पार्क करनी है पटेल मार्ग। पूछना पड़ेगा मेरे तो गाड़ी किधर पार्क करें। गार्ड जी बाइक कहाँ पे पार्क करें? गुड मॉर्निंग, कल नेक्स्ट मॉर्निंग है और कल हमने अपने ब्लॉग को एंड तो किया नहीं था। वैसे अगर मैं बता रहा हूँ तो हाईवे किंग का खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। अगर आप सभी में से कोई भी मेरे छोटा मोटा सा व्यूअर है जो देखता होगा वीडियो को, देखता है नहीं देखता जो भी वट एवर, अगर देखता हो तो प्लीज़ मेक श्योर करें जयपुर में है तो जाएँ, नहीं है तो फिर कोशिश करो तो जयपुर में हो तो हाईवे किंग्स पे आप डिनर करें या लंच करें जो भी है जो भी आपका मन है। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन को डाल दूंगा लोकेशन का और डिटेल्स भी, सो दैट आप इजीली वहां पर पहुंच सकते हो। एंड इट इज़ लाइक कि आज थोड़ा लेट होगा वापस से निकलने में, रीज़न भी है अचानक से हमारे कोई टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से वी हैव टू स्टे एट ऑफिस और हमको ओटी करनी पड़ी जो कि ज़्यादा देर की नहीं थी, आधे घंटे की थी सिर्फ, बट ठीक है होगा। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं एंड नाउ वी हैव अनदर प्लान फॉर इवनिंग व्हिच इज फॉर मूवी। आज हम जा रहे वाला है ट्रांसफॉर्मर्स मूवी को देखने के लिए, तो लेट्स सी कैसा मूवी का माहौल रहता है और कितने फन कर पाते हैं। तो बस ये हुआ आज का प्लान एंड उसके बाद एज यूजुअल हम मिशन के ऊपर ऑफिस से जाने ही है तो ऑफिस में निकल जाएंगे। देन इस लेफ्ट टर्न के साथ मैं वीडियो को यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अनदर ब्लॉग के एंड। बार पसंद आओ तो प्लीज़ लाइक करो और कुछ कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें इसमें समझ में आओ तो प्लीज़ कमेंट भी कर दें। कमेंट और लाइक दोनों करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, सब्सक्राइब कर दोगे तो फिर 4 महीने अंदर फिर वीडियोज क्रिएट करने का। तो सी यू अनदर ब्लॉग, थैंक यू, बाय बाय।